संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेथी की तो आपने कई प्रकार की रेसिपी बनाकर खाई होगी, आपने मेथी के पराठे भी खाए होंगे और आलू और मेथी की सब्जी भी खाई होगी और मेथी के आपने थेपले भी खाए होंगे। इस ठंड के मौसम में गर्म गर्म चाय के साथ मेथी के पकौड़े मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। इसी तरीके से आज हम इस मेथी के पकौड़े बनाएंगे। हमने 100 ग्राम मेथी ले ली है। मेथी को हमने अच्छे से आधा घंटा पहले धो के और सुखा लिया है और इसके जो मोटे मोटे डंठल थे हमने मोटे मोटे डंठल को तोड़ कर फेंक दिया है और जो पतले पतले डंठल होते हैं इन डंठल को हमें फेंकना नहीं है। अब हम इस मेथी को काटेंगे। इस मेथी को आप कैची या चाकू से बड़े ही आराम से आप काट सकते हो। थोड़ी सी हमने हाथ में इस तरीके से मेथी ले ली है और एक हमने कैची ली है। कैची से हम इस तरीके से मेथी को अच्छे से बारीक काट लेंगे। देखो हमने मेथी को इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। इस मेथी को अब हम एक बर्तन में डाल देंगे। जितनी क्वांटिटी में आप पकौड़ा बनाना चाहते हो उतने ही आप मेथी ले लें। देखो हमने एक बर्तन में मेथी को डाल दिया है। मेथी खाने में थोड़ी कड़वी लगती है, हम इसमें पहले से नमक डाल के रख देंगे। हमने इसमें नमक डाल दिया है और जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा नमक डालने से इसका सारा पानी निकल जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने से हमारे पकौड़ों में अच्छे से कलर आ जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। और दो हमने हरी मिर्च को इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। और इसमें हम खूब सारी हरी पत्ती डालेंगे जिससे हमारे पकौड़ों में अच्छे से टेस्ट आ जाए और थोड़ा कड़वाहट कम हो जाए। पकौड़ों को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमने दो आलू लिए। हमारी कच्चे आलू है। आलू को हमने पहले से अच्छे से छील के धो के और पानी में डाल के रख दिया था। अब हम किसनी से इसको किस लेंगे। देखो मोटे वाले छेदों से इसके हम मोटे मोटे लच्छे निकालेंगे। हमने आलू के इस तरीके से मोटे मोटे लच्छे निकाल लिए हैं और जो हमने मेथी में मसाला मिलाकर रखा था उस मेथी में हम इस आलू को डाल देंगे और अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखो हमने अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर दिया है। देखो हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके बाइंडिंग के लिए इसमें कुछ डालेंगे। 1 कप हमने बेसन लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे क्योंकि जो हमारी मेथी है बहुत ज्यादा पानी छोड़ती है, इसलिए हमें धीरे धीरे इस तरीके से इसमें बेसन डालते जाना है। और हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो हमारी मेथी में पानी निकलेगा उसी में हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखो हमने इसमें 1 कप बेसन डाल दिया है। अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आपको और बेसन की जरूरत पड़े तो आप इसमें और भी बेसन डाल सकते हो। देखो हमने मेथी में 1 कप बेसन डाला था, उसी से हमारी मेथी में अच्छे से बाइंडिंग आ चुकी है। अब हम इसके खटास के लिए इसमें हम कुछ और डालेंगे। हमने आधा नींबू ले लिया है। आधा नींबू का हम इसमें रस डाल देंगे। यदि आप अमचूर पाउडर डालना चाहते हो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। खटाई डालने से आपकी जो मेथी कड़वी लगती है वो थोड़ी कम हो जाती है। पकौड़ों को हम थोड़ा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम 1 चम्मच गरम तेल डाल लेंगे। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख दिया था। इस चम्मच से हम 2 चम्मच गरम तेल डाल देंगे। गरम तेल डालने से जो हमारे पकौड़ा है वो एकदम बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर मुलायम बनकर तैयार होंगे। हम इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। पकौड़ों में आप मनचाहा शेप दे सकते हो। थोड़ा सा हमने इस तरीके से ले लिया है और हाथों से हम इस तरीके से जिस साइज के आप पकौड़े बनाना चाहते हो उसी साइज के आप पहले से बनाकर रख लें। देखो हमने इस तरीके से पकौड़े बनाकर रख लेंगे। हम इन पकौड़ों को पहले से ही बनाकर रख लें तभी हमारा अच्छा रहेगा। देखो हम इस तरीके से, यदि आप इस तरीके से गोल गोल बनाना चाहते हो तो गोल गोल भी बनाकर रख सकते हो।
देखो हमने इतने पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन पकौड़ों को तेल में फ्राई कर लेंगे। जब तक ये हमारे पकौड़े फ्राई होंगे तब तक हम इसके पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने गैस को जलाकर गैस पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखना है और गैस को मीडियम रखना है। जो हमने पकौड़ा बनाकर रखे थे इस तरीके से हम पकौड़ा को डालते जाएंगे। हमारी कढ़ाई में एक बार में जितने पकौड़ा आ जाए हम उतने ही पकौड़ा इसमें डाल देंगे। तेज गैस पर हमें इन पकौड़ों को नहीं सेंकना है, मीडियम गैस पर ही हम इन पकौड़ों को अच्छे से पलट पलट के सेंक लेंगे। हमारे पकौड़ा एक साइड से थोड़ी सिक चुकी है, इनको हम धीरे से ऐसे पलट लेंगे और हम इनको दोनों साइड से अच्छे से कलर आने तक मीडियम गैस पर इस तरीके से पलट पलट के सेक लेंगे। देखो हमने पकौड़ा को अच्छे से पलट पलट के सेक लिया है। हमारे पकौड़ों में अच्छे से कलर भी आ चुका है और अंदर तक हमारे पकौड़ा अच्छे से सेक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन पकौड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमारे बाकी के पकौड़ा बचे हैं उनको भी हम इसी तरीके से कलर आने तक पलट पलट के अच्छे से धीमी गैस पर सेक लेंगे। देखो हमारे कितने अच्छे मेथी के पकौड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमारे देखो बाहर एकदम बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर एकदम बिल्कुल मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। इनको हमने टोमेटो केचप और चाय के साथ सर्व किया है। मिर्च के साथ खाने में पकौड़ा तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस तरीके से मेथी के पकौड़ा बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ज्यादा कड़वे भी नहीं लगते हैं। आप इसी तरीके से मेथी के पकौड़ा बनाकर खाएं। इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ मेथी के पकौड़ा बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसी तरीके से ठंड के मौसम में मेथी के पकौड़ा बनाकर खा सकती हो। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।